बाल आश्रम सुजानपुर से तीन लड़के कमरे की खिड़की की जाली तोड़कर भाग गए हैं। मामले में आश्रम प्रबंधन ने शिकायत के बाद सुजानपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। लड़कों के गायब होने का पता चलने के बाद तुरंत आश्रम प्रबंधन ने पुलिस थाना सुजानपुर को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद अब पुलिस लड़कों की तलाश में जुटी हुई है। सुजानपुर पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय तीन लड़के मंगलवार सुबह आश्रम से लापता हो गए। आश्रम प्रबंधन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विक्रांत निवासी जिला ऊना, शिवा निवासी उत्तराखंड और विशाल काठमांडू का निवासी है, वो आश्रम से लापता हैं। इन लड़कों के साथ मोबाइल नहीं होने की वजह से पुलिस इन्हें ट्रेस कर पाने में दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस लड़कों को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है, अभी तक उनका सुराग नहीं मिला है। सुजानपुर थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि बच्चों का कोई सुराग लग सके। हमें भाई इस बारे में शिकायत मिली है, हमने उसी समय इन बच्चों की तलाश जारी कर दी है। तीन बच्चे बाल आश्रम से आए हैं, हमारी हमने मुकदमा पंजीकृत थाना किया हुआ है और सब जगह हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे पास डस्ट हो सकता था हमने सब जगह संदेश भेज दिया है इस बारे में। तो जहाँ भी बच्चे मिलते हैं थाना सुजानपुर को सूचित करें। सर, आगामी क्या कार्रवाई जो है पुलिस विभाग करती नजर आ रही है? लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, पीछे भी हाल में ही मामला यहाँ पे प्रकाशित हुआ था, पकड़े गए थे, क्या कहेंगे? कितनी जल्दी आप? जैसे बच्चे भागे तो मिल गए थे, तो अभी दोबारा से भागे, हमारा लगातार प्रयास है इनको तलाश करने में। ठीक है।